गोवा में आयुष्मान आपके द्वार थीम पर आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से विभिन्न वार्डों में जाकर आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी दी जा रही है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा पात्र हितग्राहियों को मिलती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना में 70 साल के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। इस बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। जिले की आयुष्मान नोडल अधिकारी डॉक्टर रश्मि कौशल ने बताया कि आयुष्मान निरामयम योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर 20 से 30 सितंबर 2024 तक आयुष्मान आपके द्वार थीम पर आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य आयुष्मान भारत डिजिटल एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा अधिक से अधिक आयुष्मान हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। बीस से 30 सितंबर तक हमें आयुष्मान पखवाड़ा मनाना है। आशा और आंगनवाड़ी के सहयोग से हमें घर घर जाना है और वहाँ पे हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी बनाना है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड का प्रचार प्रसार करना है। आज का हमारा बेसिक उद्देश्य यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ABDM आशा आभा के बारे में ओरिएंट करें एवं आयुष्मान भारत योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं ये है और इसके साथ साथ जो अभी जो मोदी जी के द्वारा बताया उनके द्वारा कैबिनेट में डिसीजन लिया गया है कि 70 साल से ऊपर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ दिलाया जाएगा आयुष्मान कार्ड बना के। और आज यही सब करने के बाद हमें अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। आपकी टीम ने हमें आयुष्मान के बारे में ये जानकारी दी है कि जो आज तक मिली थी तो पात्रता मिली थी, मगर अब जो आई है वो 70 साल के उम्र के अंतर्गत हर बुजुर्ग हर महिला के लिए ये पात्रता परामर्श दी है। ये हमारे को बताएं इन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में कि जैसा ये होना चाहिए 70 साल के लिए व्यक्ति के लिए मदद के लिए, तो चल रही है बहुत बढ़िया है अच्छे है। 70 साल वालों के लिए कोई वो नहीं था, मतलब कोई लाभ नहीं था, अब आई है 70 साल वालों के लिए मतलब लाभ। और आयुष्मान कार्ड पे मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है मोतियाबिंद का, उसमें मेरे को 1 रुपया नहीं लगा और कोई तकलीफ नहीं है।